नमस्कार, तस्वीरें हरियाणा के करनाल की हैं, जहाँ पर आप देख सकते हैं किस तरीके से 23 साल का कमलदीप डेढ़ साल पहले जिसकी लव मैरिज होती है वो कल सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या कर लेता है और आरोपियों की गिरफ्तार नहीं होती है। तो उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार के लोग सड़कों पर आकर प्रोटेस्ट करते हुए नजर आ रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, इस खबर को आप शेयर करें, आरोपियों की गिरफ्तार करने की मांग है। कल सुसाइड हुआ था लव मैरिज के बाद, 23 साल का कमलदीप जो है डेढ़ साल पहले लव मैरिज करता और कल सुसाइड कर लेता है, पत्नी परेशान किया करती थी। फिलहाल आप देख सकते हैं किस तरीके से सड़कों पर आकर लोगों ने नारेबाजी करनी शुरू कर दिया, प्रोटेस्ट लोगों ने करना शुरू कर दिया और सरकारी अस्पताल चौक को लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है और आरोपियों को गिरफ्तार करने की इनकी मांग की जा रही है। हमारी आप सभी से अपील रहेगी, इस खबर को आप शेयर करें। आप देख सकते हैं सरकारी अस्पताल चौक को किस तरीके से लोगों ने चारों तरफ से घेर लिया है, लोगों से बातचीत करने की कोशिश करेंगे। लेकिन उससे पहले आपको बता दें कि 23 साल का कमलदीप जो है पत्नी से परेशान होकर कल अपने जीवन लीला समाप्त कर लेता है, फांसी का फंदा लगाकर अपनी जान दे देता है। और अब आरोपियों की जब गिरफ्तारी नहीं होती है तो उसके बाद आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार के लोग सड़कों पर आकर आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग करते हैं। हमारी आप सभी से अपील, इस खबर को आप शेयर करें। लगातार जो है सुसाइड के मामले बढ़ रहे हैं और एक बार फिर से आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार के लोग सड़कों पर आकर मदर इन लॉ का ना हस्बैंड का ना ब्रदर किसी का नहीं करा, किसी का ना उससे घर की कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। ये तो बस क्या हुआ, उसकी मदर की भी जान चली गई, मदर इन लॉ की, और उसका हस्बैंड भी चला गया इसी गम में कि उसने नई सम रिस्पॉन्सिबिलिटी संभाली। वो हमारी फैमिली से एडजस्ट नहीं हो पाई क्योंकि वो एक अच्छी फैमिली से बिलोंग नहीं करती थी। हम एक रेपुटेटेड फैमिली से बिलोंग करते हैं भैया। तो आप देख सकते हैं किस तरीके से परिवार के लोग सड़कों पर आकर नारेबाजी कर रहे हैं, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग कर रहे हैं। हमारी आप सभी से अपील, इस खबर को आप शेयर करें। क्या आरोपियों को गिरफ्तार किया जाएगा, तब जाम खोलेंगे? हाँ जी, हाँ जी। तो कोई मिलने आया आपसे, पुलिस अधिकारी कर्मचारी कोई आया? कोई अभी तक तो कोई नहीं आया जी हमारे पास। हमारा जी दो पहले उसकी मम्मी चली गई डेढ़ महीने पहले, अब हमारा जी वहाँ पड़े जी, हम क्या करें बताओ। सारा बंदा सारा परिवार बैठा जी, बताओ कहाँ कहाँ जाए हम, बताओ। छोटा सा जी था हमारा, जी चला गया, अब क्या करेंगे बताओ। जा दो हमारे को भी मार दो और क्या कह सकते हैं, हम तो सब क्या के हाथ जोड़ के पब्लिक क्या के भी हमारा साथ दो थोड़ा सा जी। हमारा हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए, हाथ जोड़ के ये विनती है, हमारे बच्चे को इंसाफ मिलना चाहिए जी। लड़की के और लड़की के बाप को पकड़ना चाहिए जी, उनको पकड़े उनको अंदर करें जी, हमारे को इंसाफ दें हमारे परिवार को जी, बस हम तो यही चाहते हैं जी। हमारे को कुछ नहीं कहना चाहते, बस हमारे को न्याय चाहिए, बस और कुछ नहीं चाहिए। पहले भी कमलदीप को बताया जा रहा है मारा पीटा गया, बहुत उसका सुसर आगे इन्होंने बच्चों ने, मेरे भांजा है उसका बेटा है, इन्होंने मारे को नहीं बताया किसी चक्कर में भाई, इसीलिए भाई उसको रोज जो दूसरे तीसरे दिन मार के जाता था, अभी परसों चौथ अब तक भी नहीं हुआ, मार के गया वो बीमार हुआ है बेचारा, हॉस्पिटल में ले गए जब मार के गया, फिर बाद में मामियों के पास अपने गए वहाँ पे जाके। तो बिल्कुल आप देख सकते हैं सड़कों पर आकर लोग प्रोटेस्ट कर रहे हैं, आरोपियों को गिरफ्तार करने की मांग इनकी ओर से की जा रही है। हमारी आप सभी से अपील, इस खबर को आप शेयर जरूर करें।